हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे टेट हो, सी टेट हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें प्रत्यय के सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आज हम भूतकालिक प्रत्यय कत और कत्वतु के बारे में जानेंगे। ये भूतकालिक प्रत्यय है और इसका नाम निष्ठा है। इनका अर्थ भूतकाल के अर्थ में, इनका प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। तो आइए देखते हैं, उदाहरण के लिए जैसे गम धातु है और कत प्रत्यय जोड़ने पर इसका पुल्लिंग में रूप बनेगा गतः। पुल्लिंग में रूप, इनका प्रयोग जो है तीनों लिंगों में भी किया जाता है। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और तीनों लिंगों में, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में चलते हैं। गतः, गता, गतम, गता, गता, गतम। उसके बाद क्री धातु है और कत प्रत्यय जोड़ने पर क्री धातु के साथ इसका रूप बनेगा कृता, कृता, कृतम। नेक्स्ट है पठ धातु में अगर कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका रूप बनेगा पठितः, पठिता, पठितम्। पठ धातु में जोड़ने पर इसका रूप बन रहा है पठितः, पठिता, पठितम्। उसके बाद अगर पृच्छ धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका रूप बनेगा पृष्ठः, पृष्ठा, पृष्ठम्। नेक्स्ट है लिख धातु के साथ अगर इसका कत प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो इसका रूप बनेगा लिखितः, लिखिता, लिखितम्। अर्थात ये तीनों लिंगों में चल रहे हैं। उसके बाद कथ धातु के साथ जब कथ प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो इसका रूप बनेगा कथितः, कथिता। उसके बाद कथितम्, कथितम्। नेक्स्ट कंप धातु के साथ अगर इसका रूप जोड़ेंगे, कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा कंपितः, कंपिता, कंपितम्। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखते चलिए। गम धातु के साथ जुड़ा तो गता, गता, गतम। क्री धातु के साथ कृता, कृता, कृतम। पठ धातु के साथ पठिता, पठिता, पठितम्। पृच्छ धातु के साथ पृष्ठा, पृष्ठा, पृष्ठम्। लिख धातु के साथ लिखिता, लिखिता, लिखितम्। कथ धातु के साथ कथिता, कथिता, कथितम्। कंप धातु के साथ बना कंपिता, कंपिता, कंपितम्। उसके बाद नश धातु के साथ बनेगा नष्टः, नष्टः, नष्टा, नष्टम्। अगला है अधियुक्तर है, ईं धातु है और कत प्रत्यय है। इसके साथ जोड़ने पर बनेगा अधितः, अधितः,
अधीतम नेक्स्ट है आंग उपसर्ग है भू धातु है और कत प्रत्यय है तो इसके साथ बनेगा जुड़ने पर आहूतः आहूतः आहूता आहूतम आहूतम ये था हमारा कत प्रत्यय। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कत्वतु के बारे में जानेंगे। अगला है हमारा कत्वतु, वो भी भूतकालिक प्रत्यय ही है और उसका नाम भी निष्ठा है। कत और कत्वतु इन दोनों प्रत्ययों का नाम निष्ठा है और दोनों का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। तो आइए देखते हैं कत्वतु के बारे में। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट कत्वतु।